यहाँ पर देखेंगे हम डिटेल फॉर्म ITR 1 कैसे किसके लिए है, ठीक है। तो फॉर इंडिविजुअल्स बीइंग अ रेसिडेंट, जो रेसिडेंट है उसके लिए है, और हैविंग अ टोटल इनकम अप टू 50 लाख, जिसकी इनकम 50 लाख तक की है उसके लिए ITR 1 भरना पड़ेगा, ठीक है। हैविंग अ इनकम फ्रॉम सैलरी, सैलरी इनकम है उसमें आता है सैलरी इनकम, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्स लाइक इंटरेस्ट और एक्सेट्रा, ठीक है। और एग्रीकल्चर इनकम अप टू 5000, 5000 तक आपकी एग्रीकल्चर इनकम है तो वो भी इसमें आएगा। और उसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ है नॉट फॉर एन इंडिविजुअल हु इज आइदर अ डायरेक्टर इन अ कंपनी और हैज इन्वेस्टेड इन अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स, तो 5000 उसके लिए जो इंडिविजुअल हो, नॉट फॉर एन इंडिविजुअल हु इज आइदर डायरेक्टर इन अ कंपनी, तो इंडिविजुअल जो कंपनी में डायरेक्टर है उसके लिए नहीं है। और हैज इन्वेस्टेड इन अनलिस्टेड इक्विटी शेयर, और जिन्होंने अनलिस्टेड इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट नहीं किया हुआ है, ठीक है, तो उसके लिए है ITR 1।